नहीं जी, अब हमारी मज़ेदार सी खग्गा फिश शोरबे की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे खग्गा फिश शोरबे वाली उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। उसके इंग्रेडिएंट हैं तीन। मैंने खग्गा फिश ली हैं और इनके मैंने दो दो पीस करवा लिए थे, और ये तकरीबन 1.25 केजी के तीन पीस थे। अच्छा जी, उसके इंग्रेडिएंट हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये एक बड़ा चम्मच भर के है, और साथ इसके एक 4 टेबल स्पून है टमाटो पेस्ट के, और प्याज को मैंने हल्का सा सोते करके उसको पीस लिया है, और ये जो ऊपर कड़ी पत्ता आपको नज़र आ रहा है फ्रेश, ये है। और इसमें जाएगा 1 लीमू, 3 सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, और 2 छोटी इलायची, और खुश्क धनिया का पेस्ट, और सुर्ख मिर्च और हल्दी और नमक, ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है। मैंने एक स्पून छोटा नमक का लिया है, क्योंकि नमक इसमें ऑलरेडी लगा हुआ था फिश में। फिश को मैंने रात को ला के इसको लहसुन और थोड़ी सी अजवाइन और 1 लीमू का रस लगा के रख दिया था। सुबह मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया ताकि इसकी सारी स्मेल निकल जाए। अभी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें ऑयल है तकरीबन, ये 5 टेबल स्पून ऑयल है, और इसमें इसको गरम करना है। तेज ऑयल को गरम करके इसमें मैंने डाल देनी है कड़ी पत्ता, छोटी इलायची 2, ये जैसे इसको खड़खड़ा लेना है, और इसको अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसके अंदर चले जाना है। ये बड़ी जल्दी बन जाती है शोरबे वाली खग्गा फिश, और सर्दियों में ये बहुत लजीज और बहुत कुव्वत बख्श होती है। नज़ला ज़ुकाम हो तब भी इसका शोरबा बना के यूज़ करते हैं। वैसे भी ये चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इसको आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ये जैसे ये सोते हुआ है। अब इसके अंदर आपने फिश ऐड कर देना है। अब आपने इसको इतना भूनना है कि इसकी स्मेल खत्म हो जाती है, जरा हल्का सा इसको गोल्डन गोल्डन करना है। इसमें जो हल्का हल्का सा पानी होता है वो ड्राई हो जाता है, और इसका कलर चेंज होना शुरू करता है। इसके जो क्योंकि इसके सिरे भी बीच में गलते हैं ना, तो स्पेशली उनको करेंगे अच्छी तरह ना, हल्का सा ब्राउन हो जाए ताकि आपके फिश में से स्मेल वगैरह ना आए किसी भी किस्म की। उसके बाद आपने ये जो टमाटो पेरी है ये डाल देंगे। टमाटो पेरी 3 छोटे टमाटो थे, और खुश धनिया ये डाल देना है। और इसके बाद आपने ये हल्का सा सोते किया पिसा हुआ प्याज है ये डाल देना, और नमक मिर्च और हल्दी ये डाल देंगे। हम सारी चीज़ें डाल के इसमें इसको अच्छी तरह भूनेंगे, और जब इतना भून जाएगा तो 1/2 टीस्पून इसमें आपने ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है अध कुटी डाल देनी है, इससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ ही आपने 3 इसमें सब्ज मिर्च डालना है। अब तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको बहुत अच्छी तरह भून लिया है, और इस अब मैं इसके अंदर 1 कप गर्म पानी डालने लगी। पानी डाल के अपने चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि शोरबे के लिए पानी ऐड किया है, तो जितना आपने शोरबा रखना है इसको कम से कम 10 मिनट आप ढांप के हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे पकाना है।
अभी आपने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देना है। ले जी, अब हमारी मज़ेदार सी खग्गा फिश शोरबे की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको पसंद आए, आप मेरे तरीके से बनाएं, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। और अगर आपको पसंद आए, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।